हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवल्डे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि फाइनली एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की जीडी कांस्टेबल की नई और बम्पर भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एसएससी जीडी का ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 61,000 लगभग यहाँ पर वैकेंसी है, यानी कि 60,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और एसएससी जीडी की इस वैकेंसी के लिए 10वीं क्लास पास, यानी कि केवल 10वीं क्लास पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी मेल और फीमेल, यानी कि मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में इस वैकेंसी की जानकारी देंगे, जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका किस प्रकार सिलेक्शन होगा, फिजिकल टेस्ट क्या होगा, यहां पर आपकी एग्जाम किस प्रकार होगी, ये सारी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा। सारी जानकारी पाने के लिए गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी तैयारी करें और वो भी सिलेक्शन पा सके। और रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी नई भर्ती 2022 और 23 के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, एसएससी की ऑफिशियल पोर्टल पर आप जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सारी जानकारी आपको देंगे, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर जो वैकेंसी जारी की गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती है, 60,000 से अधिक वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है। योग्यता की बात करते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो केवल 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी और अप्लाई करने का लिंक मिलेगा आपको नंबर वन वेबसाइट पर, जो कि है tipsvarelbus.xyz। यहां पर आप जाकर के नई वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltech.co.in। यहां पर भी आपको नई वैकेंसी की अपडेट डेली बेसिस पे दी जाती है, तो आज ही जानकारी लें और अप्लाई करें। आप चाहें तो फ्रेंड्स गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। यहां पर जो टोटल वैकेंसी है 60,000 से प्लस वैकेंसी है, ठीक है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। वहीं फ्रेंड्स, सैलरी आप देख सकते हैं 21,700 से लगभग 70,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए एसएससी जीडी कांस्टेबल में, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना है, फिजिकल टेस्ट का और सिलेक्शन प्रोसेस का। यहां पर जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, साथ ही साथ आपकी जो रिटन एग्जाम होगा, जो आपका मेडिकल होगा, इनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी जो टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, यहां पर जो है रिलैक्सेशन भी है, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, मेल और फीमेल के लिए जो है आपकी हाइट में यहां पर छूट भी दे रखी है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसा कि एससी एसटी के लिए कितनी हाइट में छूट है, तो मेल के लिए कितनी हाइट में छूट है, फीमेल के लिए कितनी हाइट में छूट है, वो सारी जानकारी यहां पर मेंशन कर रखी है। वहीं दोस्तों, यहां पर केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा, उसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहां पर आपको जो है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, ठीक है। और नॉर्मली कम से कम आपका 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, तब तो आप एलिजिबल हैं।
अगर आपका ये मेजरमेंट नहीं बैठता है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहीं 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, अगर आप फुला लेते हैं 5 सेंटीमीटर तो आप यहां पर सक्सेस हैं, आपको यहां पर सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी यहां पर चेस्ट का जो साइज है, मेजरमेंट है, उसमें भी यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि छूट दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां पर छूट दे रखी है। वहीं सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, एफिशिएंसी टेस्ट की। तो यहां पर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी जो दौड़ होगी, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए किस प्रकार दौड़ होगी वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहां पर 5 किलोमीटर की दौड़ होगी मेल कैंडिडेट्स की, जिसमें आपको समय मिलेगा 24 मिनट का, ठीक है। वहीं यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसमें 8.5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं आपकी जो शॉर्ट रनिंग होगी उसमें आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं फीमेल को 800 मीटर की दौड़ होगी, 4 मिनट का समय दिया जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है किस प्रकार आपको दौड़ लगानी है, अभी से अपनी फिजिकल टेस्ट की तैयारियों में लग जाएं। जल्द ही भर्ती आ रही है, डेट फाइनल हो चुकी है और यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट कब से कब होगा वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो आपका किस प्रकार होगा, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें आपके 100 नंबर के 100 सवाल होंगे जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल आएंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे, इंग्लिश और हिंदी के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिला के 100 सवाल होंगे, 25-25 नंबर के हर एक सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, 25-25 मार्क्स के होंगे, कुल मिला के 90 मिनट का समय होगा 100 सवालों के लिए, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान भी रखना है, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो जॉब है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है और यहां पर जो है एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम जो है 23 साल है। इसके अलावा इसी में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, SC ST के लिए फ्री है, पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि यहां पर जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, किस तरह तैयारी करनी है वो मैंने आपको बताया, और यहां पर आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा, फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये 4 स्टेप्स है जिसको आपको कंप्लीट करना है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है 100%। अभी से तैयारी में लग जाए, डेट फाइनल हो चुकी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं अगर आप केवल 10th क्लास पास है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बंपर वैकेंसी है, अगर आप केवल 10वीं पास हो चुके हैं तो तैयारियों में लग जाए, ठीक है। फिजिकल टेस्ट की तैयारियों में लग जाए, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका अगर फिट है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे। इसके आवेदन जो है फरवरी 2023 से लेकर के मार्च 2023 तक चलेंगे। आपको बता दें यहां पर फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जस्ट आपको क्लिक करना है, आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे और यहां पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी के जो आवेदन है आप देख सकते हैं 22 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक चलेंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम सबसे पहले होगा तो जून 2023 में आपका एग्जाम होगा। तो यहां पर एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और आवेदन कब से कब तक होंगे वो फाइनली डेट आ चुकी है। SSC के करियर पोर्टल से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी से अपनी तैयारियों में लग जाए, जल्द से जल्द यहां पर भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार नई वैकेंसी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, किस सिटी से वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।